हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो हेल्थ प्रति कॉन्शियस होते हैं उनके लिए हम एक हेल्दी सैलेड लेके आए हैं। उसके लिए हमने ब्रोकली ले लिया एक फुल, और 150 ग्राम हमारा ये बेबी कॉर्न है, और 200 ग्राम हमारा ये बीन्स है, और 100 ग्राम ये आपका गाजर, और 100 ग्राम के प्याज, और एक टमाटर है। अब हम कैसे आपको हेल्दी बनाते हैं अभी बना के दिखाएंगे। हम देसी घी डालेंगे, ब्रोकली डाल देते हैं, मिनट के लिए ढक देते हैं। चलाते रहना, चलाते रहने से क्या फायदा है कि ये हर तरह से पक जाएगा, क्योंकि इसको जब तक उलटते पलटते रहेंगे तो समझिए कि पूरे अच्छी तरह से ये भुन जाए। हमें 40% भुनना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें सैलेड की तरह इस्तेमाल करना है इसे। ब्रोकली हमारी जो भुन गई है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसमें और भी 1 चम्मच घी डालेंगे। अब इसमें हम जो हमारी बाकी जो सामग्री बच रही थी, ये बेबी कॉर्न, दो तीन मिनट में ढक देते हैं। दोस्तों, इसमें हमने जो ब्रोकली पहले से, क्योंकि इस जरा जल्दी गल जाती है, सॉफ्ट होती है, इसीलिए इसको हमने पहले भून कर निकाल लिया था। बाकी हमने सलाद में इसको डाल देना है। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो प्याज हमारा, इसको भी डाल दे, जो हमने एक प्याज काटा था बॉल बना बॉल, उसको हम चला दे, मिक्स कर दे। अब स्वादानुसार जैसे आप खा सकते हैं खाइए। हम तो 1 चम्मच इसमें नमक डालें, 1 चम्मच नमक डालेंगे बस, और इसको चला दे। क्योंकि नमक डालने के बाद ना सब्जी अपना मॉइस्चर छोड़ता, इसलिए उसके मॉइस्चर से भी थोड़ा ये पकता है। अब हम इसको ढक देते हैं। नमक डाल चुके हैं ऑलरेडी, चीज़ की हमने जो चीज़ की स्लाइड लगानी है इस पर। टमाटर, एक टमाटर आपको दिखाया था हमने, थोड़ा तीखापन बच लेते हैं, खाते हैं तीखा, तो उसके लिए मिर्च, हमने 1 मिर्च को कट कर लिया है, उसको ढक देते हैं दिया, और गैस को ऑफ कर दिया, बंद कर दी गैस। हेलो दोस्तों, अब हमारा हेल्दी जो सैलेड है वो लगभग तैयार हो चुका है। हमारा जो ये सैलड तैयार हो गया। अब ये हमारी रेसिपी आपको जो हमने बनाया है, हमारी रेसिपी आप पसंद आए तो आप भी ट्राई करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। बहुत अच्छा बना है, और आप भी ट्राई करिए, बहुत स्वादिष्ट बना है। हेल्दी, हेल्थ के प्रति कॉन्शियस है, ऐसे सैलेड जो है उनका इस्तेमाल करें। थैंक यू।